छोड़ो ये मलक साहब के इसने पैसे देने हैं, किस तरीके को देंगे? इतनी गैरत हो गया तो तनख्वाह हो गया, तू दे छोड़ मलक कौन से तरीके को देंगे, कौन से तरीके? अस्सलाम वालेकुम, बस क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ दाऊद खाना, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला लड़का। आज है जी 6 सितंबर 2024 और जुमे का प्यारा दिन है जी। आपको भी जुमा मुबारक और मुझे भी मुबारक। आज अपना ब्लॉग शुरू करते हैं जी मजेदार। और जिन्होंने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें मजेदार। फाइनली तो प्लान बन चुका है जी और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। आज हमने करने जी 5000 रुपये खर्च और ये 5000 रुपये आज की डेट में खर्च करने, लेकिन फजूल खर्च भी नहीं करने और सही खर्च करने और 24 घंटों के अंदर अंदर ये खर्च करेंगे हम, तो आपके साथ इसकी व्लॉग शेयर करते रहेंगे। तो अभी पहले जो खर्च करने हमने वो भी जाएंगे और आपके साथ वो वीडियो शेयर करते हैं जी। तो पहले प्लान बन चुका है जी खर्च होने के, वो आ गए हैं जी 5000 रुपये, अब खर्च हो ही रहेंगे। तो बाइक को निकालते हैं बाहर और जाने लगे हैं जी हम सजाद साहब के पास, वहाँ से गोश्त लेते हैं, तो फिर वापसी में आपसे मिलते हैं जी। और ये हमारे बच्चे भी जो है ना वो भी बोल रहे हैं कि आज लोग शुरू है तो हम भी अपनी आवाज़ सुनाज निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। बाइक निकल चुका है बाहर और बाइक निकले और ये हमारा मुन्ना बाइक पे ना बैठे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जाते हैं सजाद भाई के पास और फिर आपके साथ वहाँ पर बात करते हैं। तो सजाद भाई की शॉप के सामने आ चुके हैं हम और यहाँ से अभी लेंगे जी 1000 रुपये का गोश्त जी। ये है जी सजाद भाई की शॉप और यहाँ पर आ गए, यहाँ से अभी देंगे जी 1000 रुपये का गोश्त और बकाया खर्च जो करने हैं वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और 1000 रुपये का हो चुका है जी गोश्त और 4000 रुपये बकाया ले लिए हैं जी। तो अभी नेक्स्ट जाते हैं और कुछ खर्च करते हैं, कुछ और लेते हैं जी। जी तो गोश्त तो ले लिया है जी और अभी एक दो चीज़ें और लेंगे बच्चों के लिए। तो वो जाते हैं जी बिस्मिल्लाह स्टोर पर और वहाँ से लेंगे। तो रफ्तार को बढ़ाते हैं क्योंकि जुमे का दिन है और जो भी काम करना है तो जरा जल्दी कर दें। ये फाइनली हम आ चुके हैं जी बिस्मिल्लाह स्टोर पर, सामने हमारे आकिब साहब खड़े हैं जी। जी आकिब साहब क्या हाल है, ठीक है? ले लिए जी एक पैकेट बच्चे के लिए छोटे के लिए केक का और एक साथ ये मोर्टीन का जो ये शरबत चाय ये ले दिया है जी, क्योंकि ये देखें ये बच्चे आराम से फिर सोते हैं और हमारे वाला जो है ना वो आराम से नहीं सो सकता क्योंकि मच्छर अभी फिर आ गए हैं, तो मच्छर से फिर बहुत काटते हैं। और एक ये सेरेलैक्स भी है जी, ये भी छोटे के लिए ले लिए है जी। अभी तक ये तीन चीज़ें हो गई हैं और अभी आ गए हैं जी स्टोर के अंदर। तो यहाँ से लेते हैं जी कोलगेट का फ्रेश मैक्स फ्रेश, ये वाला ठीक है, एक ये ले लिया है जी, वो एक ये ले लिया और एक साथ टूथपेस्ट एक ब्रश, चलो ये पकड़ो। और एक साथ लेक्स ले लिया है जी, चलो जी ये तीन चीज़ें ये हो चुकी हैं जी। आ जाओ वो और 5000 रुपये भाई, कुछ 50000 रुपये नहीं है, तू खड़ा हो गया यहाँ स्टोर पर, यहाँ पर और चीज़ें नहीं लेनी हमने, चलो। ये हमारा बिल बन रहा है जी, जितनी चीज़ें हमने ली हैं जी और सबका बिल बन रहा है, टोटल बिल बन गया है जी कितना, टोटल बिल बन गया है जी 1718 रुपये, ठीक हो गया सर। फाइनली तो वापसी हो चुकी है जी और अभी तक जा चुके हैं जी 1000 रुपये का गोश्त है जी और 1780 रुपये का ये जो
और सामान है ये ले लिया है जी। तो 2300 रुपए रह चुके हैं जी, और 2300 को अभी बड़े ध्यान से लगाने हैं, 24 घंटों में ये पूरे कर रहे हैं। तो जाते हैं वापस घर की तरफ, और फिर वहाँ से आप वहाँ पे फिर बात करते हैं आपसे। जी तो वेलकम टू बैक, और आ गए हैं जी हम फाइनली घर अपने। फजूल की जो चीज़ें हैं जी वो नहीं लिए, क्योंकि फजूल चीज़ें लेता तो फिर तो 50,000 रुपये भी कम पड़ जाए, क्योंकि चीज़ें ही बहुत सारी हैं ना लेने के लिए। तो एक लिया जी मुन्ने के लिए सीरीलैक्स 3 फल वाला, क्योंकि ये लाजमी है उसके लिए, और एक ये भी लाजमी है क्योंकि भूख लगती है उसको भी और इसको भी ये। तो और दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ है ये उससे भी ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि मच्छरों से भी बचना इन दिनों में बहुत ही लाजमी है। तो क्योंकि मच्छर काट 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 के, और अभी मुन्ना सोया हुआ है नहीं तो मैं आपको दिखाता, दिखाओ है तुम्हें तो मच्छर शच्छर नहीं काटे, मच्छर तुमने खाए हैं तुम्हें काटे हैं मच्छरों ने काटा है ना तुम्हें। और एक ये हो गया, एक ले लिया है जी ब्रश, और एक ले लिया जी कोलगेट का टूथपेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें भी लाजमी थे। तो अभी तकरीबन लग चुके हैं जी हमारे 1780 एक और 1000 एक, तो ये हो चुके हैं जी 2780 रुपये, और अभी रह चुके हैं जी 2220 रुपये, 2220 रुपये या 2320, 2220 रुपये रह चुके हैं जी, और 2220 रुपये को अभी लगाते हैं जी, वो भी आपके सामने ही लगाएंगे। तो आज हमारा टारगेट है जी 5000 रुपये का नोट जो है ना वो उसको उड़ाना है जी। तो उड़ाते तो एक मिनट में उड़ जाएगा, लेकिन हमने सोच समझ के और थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं जी, और कुछ लेन देन भी है जी, वो भी हम आज इसी में 5000 रुपये में ही क्लियर करेंगे, लेन देन भी क्लियर करेंगे, और ये जो सामान ले लिया ये भी, और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इसमें आज हम। तो ये सारा ब्लॉग आपके साथ आज शेयर हो गए जी। तो अभी नेक्स्ट जो प्लेन है वो फिर आपके साथ शेयर करते हैं, जब मिलते हैं आपसे बात जी। ये देखें जी, ये मैंने कुछ फजूल ये भी खर्च नहीं किए, ये देखें ये बिल्कुल खाली हो चुका था जो पुराना था, और ये है जी नया। तो अभी पुराने को निकालते हैं और ये नया फिट करेंगे, नया फिट करके फिर इसको लगा देंगे तो मच्छरों की जो वो हो जाएगी छुट्टी। खाना हमने जी उतार दिया है जी, और नया फिट कर दिया इसमें, ये देखें ये रखने लगे हैं यहाँ पर। और सॉरी जी मैंने तो 1780 कहा, लेकिन ये तो 1718 रुपये मेरा बिल बना था जी, जिसमें से उन्होंने अभी कितनी कटी हैं जी ये देखते हैं जी, 2000 रुपये तो ये हो गया है, और उसमें से फिर 250 हो गए, 60, 70, 80, तो ये हो चुके हैं जी 2280, और ये हमारे पास 2280 रुपये हैं, 60 रुपये मज़ीद बढ़ गए हैं जी, हमने तो 2220 कहा था लेकिन चलिए सॉरी। और ये हमारे पास है जी अभी 2280 रुपये, इसको हमने रात तक किस टाइम तक 10 बजे तक ये खर्च करने हैं जी, और ये भी सोच समझ के खर्च करेंगे। तो इसमें से हमने लेन देन भी और ये सब कुछ करेंगे, मिलते हैं फिर आपसे। अभी हम फ्रेश होने लगे हैं जी, जुमे की तैयारी करने लगे हैं, जुमे की तैयारी करते हैं फिर मिलते हैं जी। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं जी जुमे की, हमारा मुन्ना भी रेडी हो चुका है और ये भी रेडी हो चुका है जी। तो अपने जूते जूते ढूंढ रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं जी अपने नाना बू के घर तीनों, तो नाना बू को लेकर आएंगे, अगर आ गए हमारे साथ तो उनको भी यहाँ पर आज लेकर आएंगे। तो जाते हैं नाना बू के घर, फिर आपसे मिलते हैं। जैसे ही निकले हैं बाहर और बाइक निकाली है जी, तो सामने से माल गाड़ी जा रही है जी,
हैं जी अपने नाना बू के घर, और नाना बू ने हमारे बेटे को ले लिया है गोद में, और हमारे सामने मामा साहब भी आज आए हैं जी। मामा साहब आए हैं बाबा जान के साथ गप शप लगा रहे हैं जी, तो ये आए हैं जी नाना बू के साथ गप शप लगा रहे हैं। नाना बू साथ नहीं आए और मैं निकल आया हूँ जी हसन मरकूब की तरफ, कैन बोर्ड दफ्तर ऑफिस में जाना है जी, वहाँ पर बच्चों की इंदराज करवानी है। तो जी तो कैन बोर्ड तो आके और काम शाम भी हमारा हो चुका है जी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, जुमे का दिन था, तो जल्दी जल्दी काम किया, व्लॉग नहीं बना सके। और अभी हमारी वापसी है, ये अभी हम वापस जा रहे हैं जी, तो जाते हैं और आपके साथ रास्ते में फिर क्लिप शेयर करते रहेंगे। हमारे वर्क एंड का एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्यारा सा एक होटल है जी, पी एफ होटल, जिसमें ऑफिसर खाना शाना खाते हैं जी। पास में ऑफिसर का लूँ है ये, जहाँ पर ये गाड़ी यहाँ जा रही है ऑफिसर का लूँ। फाइनली तो वापस हम आ चुके हैं जी कैंट बोर्ड के ऑफिस से भी, और अभी हमको लग चुकी है जी हल्की फुल्की भूख। तो कल चूरी रोज़ा था जी, वो भी उनको पता है चूरी रोज़े का, जो गाँव वाले हैं मम्मी डैड लोगों को तो पता ही नहीं है चूरी रोज़ा होता क्या है। तो हमने भी चूरी बनाई है क्योंकि हम भी गाँव वाले हैं जी, तो अभी खाएंगे जी चूरी, और जो व्यूअर खाना चाहता है तो आ जाए जी हमारे पास और हम चूरी उसको खिलाएंगे। तो अभी हम चूरी खाने लगे हैं जी, और चूरी खाते हैं उसके बाद फिर जो है ना गोश्त लेकर आए थे जी, वो अभी तक तो सही पका भी नहीं है, तैयार नहीं हुआ। तो नमाज पढ़ेंगे जुमे की, उसके बाद फिर खाना शाना खाएँगे, उस वक्त उसके साथ देखा जाएगा। अभी चूरी का जो है ना वो बंदोबस्त करते हैं, और अभी हम खाने लगे चूरी, नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। अभी हम थोड़ा सा खाते हैं चूरी, उसके बाद आराम करेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, बाय बाय जी। तो हमारी नमाज की तैयारी हो चुकी है जी, और अभी नमाज के लिए रवाना होंगे, तो नमाज पढ़ते हैं जुम्मे की। तो ये हमारे चाचू भी हमारे सामने आ चुके हैं, और ये भी जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बस एक जुम्मा ही पढ़ते हैं बाकी। इधर जाएं जी, इस साइड जाएं, डरे नहीं पहले जाना तो बैठे उसमें सारे नहीं मैंने नहीं। ये बाहर ये मलक साहब के इसने पैसे देने किस तरीके को देंगे? इतनी गैरत हो गई है, तीन साल हो गया तू दे छोड़े। मलक कौन से तरीके को देंगे, कौन से तरीके को? सात तारीख दाखे बात है, छह तारीख है, कितनी बार तो रोज जाने ईद तो पहले तारीख है, कई तारीख छह है, सात तारीख तो ना करी। वेलकम बैक जी, तो हम आ चुके हैं जी नमाज पढ़ के वापस, और खाना भी खा चुके हैं जी। तो अभी हम अभी निकलते हैं जी कब्रिस्तान दुआ करने के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे। चलो जी आ चुके हैं जी हम बाहर बाइक लेकर, और साथ ही मुन्ने को भी लेकर आ गए, और ये सामने मलक साहब खड़े हैं जी। तो ये हमारे बुद्धों के बड़े मलक साहब हैं जी, मलक जैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जैन साहब, क्या हाल है? ठीक है। किधर आप छाव पे आज खड़े हैं जी? बस वो गाड़ी सर्विस कराने के लिए भेजी है, वो आए ना ड्राइवर। अच्छा अच्छा, वो सामने गाड़ी खड़ी है, माशाल्लाह। नहीं ये दूसरी खड़ी है। अच्छा अच्छा, तो किधर जाने का कोई प्लान श्लान बनाया है? खानपुर। अच्छा, इनको साथ लेकर जाएंगे खानपुर। ये शाहजेब बैठा हुआ है सामने, वो अरसलान बैठा हुआ है, और उस साइड वो भी अरसलान है, और ये भी अरसलान है। ये तीनों अरसलान इकट्ठे हो गए, ये निजत अरसलान, और ये शहजादा अरसलान, और वो मोहम्मद गुलाम अरसलान। दोस्तों के साथ गप शप लगा के निकल आए हैं फाइनली, तो जाते हैं अभी कब्रिस्तान, तो वहाँ पर ही फाइनली फिर मिलते हैं आपसे।
जी तो कब्रिस्तान के करीब तो आ चुके हैं और ये जरा सा आपको दिखाना था, ये कब्रिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो है ना घास भी उगा है और ये भंग शंग वगैरह जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो ये अगर कोई देख रहा है वीडियो तो ज़रा बराए मेहरबानी इनसे ज़रा इस बात की ज़रा पूछताछ होनी चाहिए। इसको इधर बिठा दिया है जी और हम जाते हैं जी दवा करने। तो और ये सामने हमारे कज़न भी आ रहे हैं हसन अली, और ये घास देखें, घास बहुत ही ज़्यादा हो गया यहाँ पर। तो ये हमारी आसफ साहब से इस बात की जो है ना थोड़ी सी नाराज़गी भी होगी, ये देखें जी घास बहुत ही ज़्यादा हो गया तो उसकी कटाई क्यों नहीं की जाती, तो इसकी कटाई की जाए जी। दवा करके तो हम आ चुके हैं जी और यहाँ से अभी ऊपर से आपको ये कब्रिस्तान दिखाना है। ये देखें जी इधर सिर्फ ये भंग और ढब जो है वो ही नज़र आ रही है और घास इतनी ज़्यादा हो गई है, ये देखें कब्र कोई नज़र ही नहीं आ रही। और ये जो कब्रिस्तान ये कब्रें नज़र आ रही हैं जी, तो ये तो इन्होंने खुद ही ये कटाई की है, ये लड़कों ने खुद ही कटाई की है, ये कटाई खुद इन्होंने की है। ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा घास इधर हो गए हैं जी, तो इसकी कटाई की जाए। टाइम हो चुका है जी, 6 बज गए हैं जी और अभी थोड़ी देर पहले हम उठे हैं, उठ के नमाज भी पढ़ी है, नमाज पढ़ के अभी निकले हैं जी इन दोनों बच्चों के साथ लेकर आ गए हैं जी मार्केट के पास। तो यहाँ पर आपको दिखाना है थोड़ा सा ये बदल बन गए हैं जी चारों तरफ से, माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल और प्यारा सा मौसम बन चुका है जी, बहुत ही अच्छा मौसम बन चुका है। तो लगता है बारिश का भी इरादा बन चुका है जी, और अभी इन बच्चों को थोड़ा सा फ्रेशमेंट करवाते हैं, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आए हैं घुमाने के लिए क्योंकि घर में गर्मी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, तो बाहर का माहौल बहुत ही अच्छा है, तो इनको अभी थोड़ा सा इधर लेकर जाते हैं घुमाते हैं और घुमा फिरा के इनको फिर वापस लेकर जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये ले 2000 रुपए, इसमें से आप 1800 रुपए काट दें, 700 रुपए थोड़े 2100 रुपए दे दिए जी हारून को, और बकाया ये जो रकम है इसको अभी हम थोड़ी देर बाद खर्च करेंगे, तो वो आपके साथ फिर लोग शेयर करते हैं। और 2100 रुपए जो थे वो इनके किस चीज़ के थे आपके? ये बैग लेके गए थे राखवाल के दाने, 3 राखवाल के, ये ना वो आप समझे जरा वैसे ही इसको दे दिए पैसे पूरे करने के लिए, पैसे नहीं पूरे किए, ये आपको मैंने बताया कि इसमें हमने कुछ अपना लेन देन है वो भी क्लियर करेंगे। जी बस नमाज पढ़ने गए थे जी मगरिब की, और वापसी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है जी, तो मैं और अरकम वापस आ रहे हैं और ज़बरदस्त बारिश हो रही है और साथ दिल को ठंड भी पड़ गई है जी। तो व्यूअर्स अभी हम जा रहे हैं जी बस्ती, और बस्ती क्या करने जा रहे हैं, और बस्ती को रिफ्रेशमेंट करने जाएंगे और जो बकाया पैसे रह गए हैं जी उसको खर्च करते हैं और आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। हम आ चुके हैं गोल गप्पो के शॉप पर और यहाँ से अभी एक दर्जन गोल गप्पे लेंगे क्योंकि 140 रुपये बच्चा है हमारे पास। आए हो गोल गप्पे खाने? आए हो? ये भी हमारे साथ आया जी गोल गप्पे खाने, तो इसको गोल गप्पे खिलाते हैं आज, पैसे ऐसे ही खर्च होंगे जो रहते हैं। मर्ची थी और मर्चे वाली गोल गप्पे थी, तो
मेरा गला भी बैठ गया है मर्चों की वजह से, और इस पर तो असर ही नहीं हुआ घोल गप्पों का, क्योंकि ऐसे खाई नहीं है, मैंने खाई लेकिन बहुत ही ज़्यादा मर्चों का तेज़ मर्च, और अभी बिल पे करते हैं और जाते हैं वापस एयरफिल पार्क के साथ बात करते हैं। जी व्यूअर्स, तो फाइनली हम आ चुके हैं जी गोल गप्पे शोल गप्पे खा के और वापस आ चुके हैं जी, और इसको भी गोल गप्पे खिलाए हैं। ओए मज़ा आया गोल गप्पे खाने का, हैं मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया ना। हाँ, और ये गाड़ी नई ली थी तो तकरीबन ये दूसरा तीसरा दिन है और इसने तोड़ ही दी है गाड़ी, तो मज़ा तो बहुत आया है क्योंकि 5,000 रुपये भी लग गए हैं आज, और वैसे 5,000 रुपये तो आप व्यूवर्स के लिए। जी व्यूवर्स, तो गोल गप्पे शोल गप्पे खा के वापस आ चुके हैं जी, और उसके बाद फिर कपड़े शपड़े चेंज कर दिए जी, नमाज भी पढ़ लिया हमने। तो आज का ये ब्लॉग जो था ये हमने इसलिए बनाया कि 5,000 रुपये खर्च कैसे करने हैं वो हमने, फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, फिर उसमें हम बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बताना है जी, तो न्यू वीडियो इसी कंटेंट में बनाएंगे, तो फिर उसमें बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे जी। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।